लैलतुल क़द्र पांच रातों में घूमती है, कभी 21 को होती है, कभी 23 को होती है, कभी 25 को होती है, 27 को होती है, 29 को होती है। हमारे पाकिस्तान में 27वीं इस तरह फिक्स कर दी गई है जैसे यही लैलतुल क़द्र है और बाकी रातों में लैलतुल क़द्र कोई नहीं है। ये हमारी एक नादानी वाली बात है। अल्लाह ताला ने इसको पांच रातों में घुमाया हुआ है, वो 21, 23, 25, 27, 29 इसमें वो घूमती रहती है, घूमती रहती। तो लैलतुल क़द्र की ना को अल्लाह ताला ने फिक्स करके बता दिया अपने नबी को। अब वो बताने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो दो सहाबा आपस में किसी बात पे झगड़ रहे थे और उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई। सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हें लैलतुल क़द्र बताने आया था लेकिन इन दोनों के झगड़े की वजह से अल्लाह ने मुझे भुला दिया है और उसकी फिक्सेशन को उठा दिया है। अब तुम इसे 21, 23, 25, 27, 29 में तलाश करो। इसमें भी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत थी। अगर फिक्स होती कि आज लैलतुल क़द्र है, फिर उसमें कोई शराब पीता, कोई मुँह काला करता, कोई चोरी करता, कोई गलत करता, तो वो तो तबाह बर्बाद हो जाता, वहीं पता नहीं कितने बड़े अजाब उस पर आ जाते। अल्लाह ने छुपा दिया। अब जो कोई कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो उसको नहीं खबर कि ये लैलतुल क़द्र है या नहीं है। आपस का झगड़ा ऐसी लानत है किसने शब कदर की फिक्सेशन को उठा दी। तो रमज़ान में बाज़ार में लड़ाई हो रही होती है इफ्तारी के करीब, पहले मैंने दे और छीना झपटी हो रही होती है, ट्रैफिक में लड़ रहे होते हैं, हर एक को जाने की जल्दी होती, घर में लड़ाई पड़ रही होती है, खामिन बीवी को डांट रहा है, बीवी बच्चों को डांट रही, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ये जो झगड़ा है ये अल्लाह की रहमत को दूर कर देता है, उठा देता है। ये आपस की लड़ाई इस तरह दीन को ख़त्म करती है जैसे उस तरह बालों को ख़त्म कर लेता। तो एक तकरीबन हर महल्ले में ये नक्शा देखने को मिलता है, घर घर में ये देखने को मिलता है। आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़े जा रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं और बाइकाट हो रहे हैं, नफ़रतें हो रही हैं, सलाम दुआ से जा रहे हैं, मिलने से जा रहे हैं।